please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ चल रही है और दो मुठभेड़ इस वक्त गाजियाबाद में चल रही है बदमाशों से। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि इस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हुए हैं और देखा यह गया है कि हाल ही में रूटीन एनकाउंटर्स चलते हैं विजयनगर और राजनगर एक्सटेंशन में ये मुठभेड़ चल रही है। कामयाबी ये मिली है कि दो बदमाश इसमें घायल हुए हैं, दो अलग अलग जगह पर ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। हम लोगों ने चेकिंग टीम्स का गठन किया गया तो फिर इंस्पेक्टर कई चौकी इंचार्ज वहां पर मौके पर पहुंचे तो माइक मोबाइल जो थाने की गाड़ी होती है उस पर इसने फायरिंग करी है जिसमें थाने का शीशा टूट गया और उसके बाद फिर एक और गोली चलाई जिससे इंस्पेक्टर साहब घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में इंस्पेक्टर को पेट में गोली लगी है, जवाबी फायरिंग में इसको काउंटर फायरिंग में गोली लगी है और इसको अरेस्ट किया गया है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, कैसे इन एनकाउंटर्स को अंजाम दिया गया? जी देखिए, विजयनगर इलाके में और सियानी गेट में दो जगह 10 मिनट के अंतराल में ये दोनों देर रात इनकाउंटर हुए हैं जिसमें दो बदमाश जो है उनको गोली लगी है और दो जो पुलिसकर्मी हैं जो मौके पे वहां पर ड्यूटी पे तैनात थे उनको भी गोली लगी है। एसएसपी और एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और जितने भी संदिग्ध इलाके हैं गाजियाबाद के वहां पर पिकेट लगा के चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान पल्सर पर सवार अलग अलग जगहों पर दो बाइक सवार बदमाश थे जिन्हें रोकने की जब कोशिश की गई तो वो न केवल वहां से भागने लगे और पुलिस पार्टी को उन्होंने फायरिंग की है। चार लोग इसमें घायल हुए जिसमें दो बदमाश हैं, दो पुलिसकर्मी हैं और मौके से पुलिस ने जो बदमाश है उनको गिरफ्तार भी किया है, उनकी गाड़ी भी जब्त की है, जो असला उनके पास था अवैध हथियार वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि जिस तरह से कुछ गाजियाबाद के पर्टिकुलर कोई इलाके जहाँ पे क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है वहां पर इस तरह की सघन जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी रहेगा और इस तरह से बदमाश अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करेंगे तो उनको जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी उनके खिलाफ। बिल्कुल आनंद, देखा यह गया है पिछले कुछ समय से कि एनकाउंटर्स का सिलसिला चल पड़ा है यूपी में और इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। जी देखिए, बिल्कुल जो सूबे के मुख्यमंत्री उन्होंने साफ तौर पे ये संदेश दिया था, कड़ा संदेश दिया था अपराधियों के कि अपराधियों या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दे या उनके लिए दो ही जगह है और वो दो जगह कौन सी है अपराधी अच्छी तरह समझते, यही बात है कि कम से कम 300 ज्यादा इनकाउंटर अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, करीबन 50 से ज्यादा जो बदमाश है उनको ढेर भी उत्तर प्रदेश पुलिस कर चुकी है। और जिस तरह से नोएडा और एसएसपी में, नोएडा और गाजियाबाद में लगातार जो नए एसएसपी आए हैं उनके आने के बाद एक तरीके से जो पुलिस का मनोबल है वो काफी यहाँ पे बढ़ा है और उसी को देखते हुए यहाँ पे ये दोनों इनकाउंटर जो है कल देर रात हुए हैं जिसमें पुलिस का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन जब उन्होंने जवाबी फायरिंग की तो पुलिस पार्टी को भी फायरिंग करना पड़ा उनके ऊपर। बिल्कुल आनंद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।